फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू माय हॉट एंड टेस्टी किचन। फ्रेंड्स आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन है और सिंपल डिश है, तो कभी ना कभी ये डिश आपने घर में बनाए होंगे, बहुत बार बनाए होंगे। लेकिन आज मैं जो बनाऊंगा कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगा। जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ तो दही बड़ा बनाने जा रहा हूँ और आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगा। तो रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे दही बड़ा बनता है आप एक बार मेरा रेसिपी फॉलो करिए और घर में जरूर ट्राई करिए, मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं आज की ये रेसिपी दही बड़ा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये उड़द दाल है और इसको मैं पहले से ही 3-4 घंटा पानी में भिगो के रखा था, तो ये सोख हो गया है अच्छे से। तो इसको मैं मिक्सी में डाल देता हूँ डायरेक्ट, और इसमें थोड़ा सा जिंजर और क्यूमिन सीड मतलब जीरा है और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर टेस्ट के लिए। वो डालने के बाद मैं इसको मिक्सी में पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बड़ा बनाने के लिए है, सिंपल एकदम सिंपल रेसिपी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही सिंपल है। तो आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए, अगर पानी डाल देंगे तो ये पूरा ख़राब हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बड़ा का शेप नहीं आएगा। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रेजिन्स मतलब किशमिश और काजू का चॉप करके इसमें डाला, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और अभी मैं इसका बड़ा बना लूँगा। तो बड़ा बनाने के लिए नेचुरली मैंने थोड़ा सा तेल मीडियम हीट कर लिया, और मीडियम हीट करते ही मैंने एक एक करके छोटा छोटा पीस बड़ा तैयार कर लूँगा, बड़ा फ्राई कर लूँगा। मीडियम हीट में फ्राई करना है ताकि अच्छे से पक जाए। और एक चीज़ जो आपको बताना है कि ये जो मिक्सी में डालने के बाद इसको अच्छे से बीट करना है, एकदम बहुत अच्छे से बीट करना है, अबाउट हाफ एन आवर्स तक इसको बीट करना है ताकि ये फ्लफी हो जाए। जब ये फ्राई करेंगे तो अंदर ये सॉफ्ट रहेगा, अगर आप अच्छे से बीट नहीं किया तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, तो ये बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और इसको निकालते ही मैंने इसमें ठंडा पानी में डाल दिया था, थोड़ी देर रखने के बाद इसको ठंडा पानी में डाल दिया ताकि ये सोख हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसको निकाल दिया, और निकालने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस करके इसका तो अंदर का जो पानी है वो निकालना पड़ जाएगा। तब देख सकते हैं ऐसे ही प्रेस करके आप इसका अंदर का जो पानी है वो निकाल दीजिए, और जिस प्लेट में आपको सर्व करना है उस प्लेट में डाल दीजिए एक एक करके। सारे मैं ऐसे ही बड़ा को एक एक करके प्रेस करके इसका पानी निकाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इजी है, तो सिंपली ऐसे ही प्रेस करके सारे बड़ा मैंने कर लिया। और आप देख सकते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो रेडी है, जब मैं डालूँगा आप देख लीजिए। तो इसमें दही है, चटनी है दो टाइप का, और ये भुजिया वगैरह है, मसाला है, ये मसाला रोस्टेड मसाला है, और चिली पाउडर है थोड़ा सा, नमक है, और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो सारे बड़ा मैंने आप देख सकते हैं प्रेस करके इसका पानी निकाल दिया। अभी मैं इसके ऊपर से दही डालूँगा, बीट किया हुआ खट्टा दही इसके ऊपर से डालना पड़ता है। तो सारे दही मैं डाल दूंगा, एकदम दही से नहाना पड़ेगा, इतना दही आपको रखना है। तो ये दही डाल दिया, अब ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी मैंने कई बार बनाया मैंने रेसिपी में, अगर आपको नहीं पता है तो आप रेसिपी देख लीजिए मेरा दूसरा रेसिपी में, मैं इसमें डाला हुआ है ग्रीन चटनी कैसे बनता है। ग्रीन चटनी आप देख सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल दिया, ये थोड़ा खट्टापन है, थोड़ा स्पाइसीनेस है इसमें, और मिंट और कोरिएंडर लीफ का इसमें फ्लेवर आएगा। और इसके ऊपर से मैं जो मीठा चटनी है, मीठा चटनी मैंने इमली और काजू से, इमली और डेट से बनाया है, जिसको खजूर कहते हैं, खजूर से ये बनाया और शुगर के साथ। तो ये भी एकदम इजी है, जस्ट कढ़ाई में डालना है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कभी आपको दिखा दूँगा ये कैसे बनता है। और ऊपर से मैं मसाला, रोस्टेड मसाला है ये, धनिया जीरा और मिर्ची का
तीनों को रोस्ट करके मैंने ये बनाया था। तो ये मसाला भी अच्छे से डालना है ताकि रोस्टेड मसाला का भी फ्लेवर आए। और इसको डालने के बाद और अभी मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देता हूँ। ये भी थोड़ा सा कलर भी आता है और थोड़ा सा टेस्ट भी आता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा डालिए बस। और डालने के बाद अभी मैं थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर से डाल देता हूँ। अगर नमक कम है तो ये आ जाएगा। ऐसे ही दही बीट करते टाइम मैंने डाला था नमक, तो बहुत ज़्यादा अगर टेस्ट कर लीजिए, अगर डालना है तो आप डालिए, नहीं तो नहीं। और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, तो चाट मसाला भी अच्छे से डालना है। डालने के बाद और इसका जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक है, इसमें बहुत सारा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, खट्टापन आएगा, मीठापन आएगा, स्पाइसीनेस आएगा। और ये धनिया और कोरिएंडर लीफ का कोरिएंडर लीफ और पुदीना पत्ता का बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और ऊपर से आप देख सकते हैं मैंने कोरिएंडर लीफ और वो भुजिया से गार्निश कर लिया। अब ज़रूर ये घर में ट्राई करिए, आपको दिखाया कि कैसे इजीली बन जाता है ये। अब घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा।